ये डस्टर कार की ब्रेक लाइट स्विच है। अगर ब्रेक लाइट पीछे की नहीं जल रहा है तो इस स्विच में मेन जो है प्रॉब्लम होती है। इस स्विच की प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए आप यहाँ से दबा कर एक बार चेक कर सकते हैं। अगर ये हार्ड है तो समझ लें कि स्विच में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्विच होती है ख़राब होने की ये जो हार्डनेस है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से स्विच में प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम इसको खोलेंगे, उसके बाद में इसको ठीक कर पाएंगे और ये रिपेयर हो जाती है। ये लॉक पर जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। खुलने के बाद में आपको ये दिख रहा है दो तारें इसमें दिख रही हैं, ये जो है आउटपुट सिग्नल होता है और यहाँ से जो दो है ये इनपुट सिग्नल होता है। आप देख सकते हैं जैसे स्प्रिंग ये दबती है ये वाली वैसे ये ब्रेक लाइट जलना बंद हो जाता है, और जैसे ही ब्रेक लाइट को छोड़ते हैं वैसे ही ये दोबारा से हमारा ब्रेक लाइट ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से काम करता है ब्रेक लाइट स्विच। इसमें